Hello and welcome everyone. Welcome to this channel. Welcome to Fizzy channel Physics for JEE. Fizzy stands for Physics for JEE. और इस चैनल पर आपको स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर फिजिक्स के कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे, रेगुलर प्रोवाइड करा जाएंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीक, यू नो फ्रॉम 7th जुलाई ट्यूजडे से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा जाएंगे फॉर क्लास 11th फिजिक्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. और ये पूरा फ्री होगा लेक्चर, और ये लेक्चर्स आपको अप टू जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे. आई गारंटी यू इट विल मेक यू फॉल इन लव विद फिजिक्स. सो आप उस टाइम तक इंतजार करो. मंगलवार को यानी 7th ऑफ जुलाई को फर्स्ट लेक्चर अपलोड होने वाला है फिजी चैनल पर. आप अगर नए हो चैनल पे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, ताकि जितना ज्यादा ये चीज आप हर घर में, हर गांव गांव में बच्चे को आपको हर जगह आपको ये प्रोवाइड हो सके. हर बच्चा जो गरीब बच्चे हैं या जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको भी ये लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि वो आसानी से फिजिक्स की तैयारी कर सके फॉर देयर बोर्ड्स, फॉर देयर जेई मेंस पर्सपेक्टिव, फॉर देयर एडवांस्ड पर्सपेक्टिव. आपको वहां से वो प्रिपेरेशन करके एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाकर, सो दे कैन मेक देयर ब्राइट कैरियर. ओके, सो इस दिस चैनल पर आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे फिजिक्स फॉर जेई. ओके, सो मैं बता दूं कि इस चैनल में कुछ स्पेशलिटी हैं जो इसको बाकी चैनल से काफी अलग बनाती हैं. तो ये स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूं. ओके, सो आप देखो फिजी सो स्पेशल, ये काफी ज्यादा स्पेशल है. और ये स्पेशल किस लिए है, ये चार बातों पे डिपेंड करता है. जो फोर पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट ये चार पॉइंट ही इस चैनल को काफी ज्यादा अलग बनाती हैं, सारे एजुकेशनल चैनल से काफी अलग बनाती है. जो सबसे पहला पॉइंट है एस सी वर्मा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एस सी वर्मा, आई विल मेक यू सॉल्व एस सी वर्मा. ओके, आई विल मेक यू बाय हार्ट एस सी वर्मा फॉर जेई एस्पिरेंट्स. ओके, जेई एस्पिरेंट्स के लिए एस सी वर्मा इज अ वेरी गुड बुक, वेरी गुड न्यूमेरिकल बुक. ओके, और आप इस बुक को अगर बाय हार्ट कर लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जो जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन आप देखोगे, तो आपका जो डर है अंदर से, जो कि IIT आपसे होगा या नहीं होगा, बच्चों के अंदर काफी डर होता है होगा नहीं होगा, सॉल्व होगा या पास मार्क्स आएगा या नहीं आएगा फिजिक्स में, सो वो डर आपका खत्म हो जाएगा एस सी वर्मा को सॉल्व करने के बाद. सो इट्स अ फंडामेंटल बुक फॉर जेई, यू कैन से इन अदर वर्ड्स. आपको ये बुक बाय हार्ट करनी होगी, और किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, इस बुक को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कराया जाता है. कारण कुछ भी हो सकता है, या तो टीचर्स ये सोच रहे हैं कि अगर हमने सॉल्व करा दिया तो वो बहुत बेसिक बुक है, लोग सोचेंगे हमें नॉलेज नहीं है तो हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ये भी बात हो सकता है. टीचर्स ये काफी बेसिक बुक है इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं, या तो वो समझ रहे हैं कि हमने सॉल्व करा, अगर सॉल्व करा दिया तो आगे कुछ कंटेंट नहीं बचेगा सॉल्व कराने को. So, ये दो बातें हो सकती हैं. तो मुझे लगता है ऐसा कि पहली बात है जो टीचर ये सोच रहे हैं कि ये बेसिक बुक है, किसी भी स्टूडेंट से बन जाएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बुक सिरदर्द बन जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे से एससी वर्मा तो सॉल्व हुआ ही नहीं, तो मैं प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, कैसे लगा पाऊंगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस चैनल पर आपको एससी वर्मा पूरी तरह सॉल्व कराई जाएगी, पूरा ए टू जेड आपको सॉल्व कराया जाएगा, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको उठा के बनवाए जाएंगे डायरेक्टली, आपको कोई डाउट होगा डाउट को क्लियर किया जाएगा. सो ये एक सबसे बड़ा इस चैनल का मोटिव है कि एस सी वर्मा और एनसीईआरटी थ्रू आउट द होल ईयर प्रॉपर एंड रेगुलर सॉल्व कराया जाएगा, आपको पूरी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पूरी हद तक मिले. और इसके बाद हम एक लेवल ऊपर उठेंगे, दैट इज सिंगेज बीएम शर्मा. बीएम शर्मा की जो किताब है सिंगेज पब्लिकेशन की, उस किताब को हम लोग बनाएंगे. और उस किताब में आप जानते हैं वो काफी स्टैंडर्ड बुक है, वहां पे बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो हम उस किताब को भी लगाएंगे, ताकि हम एस सी वर्मा से एक स्टेप आगे उठकर एक नया किताब लगाए, और वहां से हम पूरी प्रिपेरेशन को अपने अच्छे से कर पाए. जो थर्ड पॉइंट है, जो इस चीज को स्पेशल बनाती है, इस चैनल को स्पेशल बनाती है, दैट आई विल मेक यू सॉल्व डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड दैट विल कंटेन 10 टू 12 वेरी गुड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेरी बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आपको बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी में कराए जाएंगे. ओके, सो आपको आफ्टर सॉल्विंग डीपीपी यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स, अगर आपको पूरा समझ आ गया तो.
ठीक है। तो ये इस चैनल की खासियत है। एससी वर्मा आपको सॉल्व कराई जाएगी पूरी की पूरी, बीएम शर्मा आपको सॉल्व कराया जाएगा पूरा टू पूरा सॉल्व कराया जाएगा आपको सिंगेज एंड द थर्ड वन डीपीपी आपको 10 to 12 क्वेश्चंस, जो आपको आईई इरोडोव आपने बुक का नाम सुना होगा, या आपका रेस्मिक हेलीडे है या कोई अदर रेपुटेड बुक है फिजिक्स का, वहां से आपको कराया जाएगा फ्रॉम डीसी पांडे। डीसी पांडे इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, आई विल मेक यू सॉल्व डीसी पांडे ऑल्सो, ठीक है। डीसी पांडे अगर आप बेसिकली एस सी वर्मा एंड बी एम शर्मा सॉल्व कर लेते हैं तो डीसी पांडे आपसे बेसिक आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो मैंने डीसी पांडे यहां पर नहीं लिखा हुआ है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजेई को स्पेशल बनाता है, दैट इज प्रीवियस ईयर जेई मेन्स एंड एडवांस क्वेश्चन। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, प्रीवियस ईयर जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन आपको लगातार बनवाए जाएंगे ईच एंड एवरी चैप्टर। आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर आई विल मेक यू सॉल्व प्रीवियस ईयर जेई मेन्स एंड एडवांस क्वेश्चन। एंड ये चार जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, ये चार पिलर्स इस फिजेई चैनल को स्पेशल बनाते हैं, एस सी वर्मा, बी एम शर्मा, डीपीपी एंड द प्रीवियस ईयर जेई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने, मैं आप बता दूं, अगर आप नए हो क्लास 11th में अभी तुरंत आए हो, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर ले आता हूं। देखो ये कवर बुक आपको दिख गई एस सी वर्मा की, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स टू। नेक्स्ट जो है आपका बुक वो है, देखो आप बी एम शर्मा सिंगेज की बुक कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद जो है ये आपको जो फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड आपको बुक जो दिख रही है, दिस बुक इज डीसी पांडे एंड आई विल मेक यू सॉल्व डीसी पांडे एज वेल। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चार चीजें इस चैनल को स्पेशल बनाती है, और ये चार चीजें किसी भी चैनल पर नहीं कराई जा रही है। कहीं पर डीपीपी पूरी तरह कराई जा रही है तो प्रीवियस ईयर के उतने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 2015-16 तक करके क्वेश्चन लोग छोड़ दे रहे हैं, 19-20 के क्वेश्चन करने दे। कुछ चैनल्स जो 2019-20 के क्वेश्चन करा रहे हैं वो एस सी वर्मा सॉल्व ही नहीं करा रहे हैं। आप बाकी एक्चुअली में उन टीचर्स की कोई गलती नहीं है, वो टीचर्स ऐसा समझ रहे हैं कि आप एस सी वर्मा आसानी से बना लोगे उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, लेकिन मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स वो एस सी वर्मा और सिंगेज पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और यही एकमात्र कारण है जो उनका बार बार सिलेक्शन रुक रहा है। और इसी चीज को मैं मास्टर करने के लिए आपके पास लेकर आया हूँ इस चैनल को, फिजेई। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, एंड फिजेई चैनल आपको पूरी तरह फ्री कंटेंट देगा फिजिक्स के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि कितने लेक्चर्स वीक में अपलोड होंगे। 3 लेक्चर्स इन अ वीक स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स फ्रेंड्स 3 लेक्चर आएंगे, एक वीक में 3 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। 3 लेक्चर्स जिसका ड्यूरेशन 40 से 60 मिनट तक का हो सकता है, 40 से 60 मिनट तक का एक लेक्चर होगा। और आफ्टर 2 वीक्स डाउट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके, 2 वीक के बाद डाउट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आफ्टर 2 वीक्स मैं आपको बता दूं लेक्चर का जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो वीक में 3 से बढ़कर 5 नंबर ऑफ लेक्चर हो जाएंगे, यानी 5 लेक्चर एक वीक में अपलोड किए जाएंगे। एंड देट वुड बी ऑफ 1 आवर, यानी 5 घंटे की पढ़ाई एक वीक में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी इस चैनल पर, फिजेई पर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दो इस चीज को, एंड मेक इट अ रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ रोड मैप ऑफ द कोर्स, हमारे कोर्स के बारे में, क्या हम कोर्स को कैसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए, किसी भी चीज को फोड़ने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी होती है। तो हमारे पास भी एक प्लानिंग है इस चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रॉपर कंटेंट दिलवाएंगे। ओके, इस फिजेई चैनल पर तो हमारे पास एक रोड मैप है पूरे कोर्स का, कि किन किन मंथ्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, कैसे उस चीज को मास्टर करेंगे। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर के दौरान आपको जो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा फ्रॉम एस सी वर्मा, फ्रॉम बी एम शर्मा, फ्रॉम डीपीपी एंड द प्रीवियस ईयर जेई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज द वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने यहां पर नहीं लिखा, वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पर पूरी तरह से, बी एम शर्मा, एस सी वर्मा, डीपीपी एंड द प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, द थर्ड वन इज काइनेमेटिक्स, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन मैं आपको पूरी तरह सॉल्व कराऊंगा। देन फोर्थ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड द फिफ्थ वन,
वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि शुरू के तीन महीने में फ्रॉम जुलाई टू सितंबर यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पर। यानी पांच चैप्टर शुरू के तीन महीने में, काफी धीमा शुरुआत होगा हमारा, लेकिन काफी हम बेस को स्ट्रांग करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये पांच चैप्टर्स आपको थ्रू आउट द होल टू ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, ओके, पूरे दो साल आपको ये लगातार यूज होने वाले हैं। सो इस चीज को हम लोग काफी बेहतरीन ढंग से, आसानी से, धीरे धीरे समझेंगे। एंड देन उसके बाद का जो रोड मैप होगा हमारा, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर में हम किन किन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, एंड आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, After getting lectures from PhysEE, you will fall in love with physics. I guarantee you, you will fall in love with physics. The second one is fluid mechanics. Fluid mechanics एक awesome level पे हम लोग पढ़ेंगे. Center of mass and rotation and fluid mechanics from October to November and from December. फ्रॉम द डिसम्बर से हम लोग पढ़ेंगे SHM एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और जो बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वेव्स से SHM को स्किप कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ए से लेकर जेड तक हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक इट अ रेवोल्यूशन, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं चीज को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी में आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, एंड देन ग्रेविटेशन। फरवरी में आपका कोर्स पूरी तरह कंप्लीट, मार्च में आपको स्प्रिंट वाले सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको जेई की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। आई नो आई एम अ लिटिल बिट लेट, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज जून में ही स्टार्ट करनी थी फर्स्ट वीक से, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट क्लियर विद माई विजन। नाउ आई एम क्लियर विद माई विजन, आई विल मेक यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जेई मेन्स एंड एडवांस, और मैं आपको इस चैनल पर काफी बेहतरीन ढंग के कंटेंट्स ला कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स डेट याद रखो, 7 जुलाई फ्रॉम 7 जुलाई ट्यूसडे नेक्स्ट वीक फर्स्ट लेक्चर अपलोड होने वाला है। तब तक इस कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मेक इट अ रिवॉल्यूशन। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।